तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज के दिन जिक्र हम यही कर रहे हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी या फिर मजबूरी, क्योंकि भारत जैसे विविधता वाले देश में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून लागू करना इतना आसान है क्या? यहाँ ये अपना वही हिंदुस्तान है जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को आजादी से रहने का अधिकार है, लेकिन सवाल आज के दिन कई सारे जो ज्वलंत मुद्दों में बने हुए हैं। आशिफ जी, बिल्कुल सागर। और देखिए, हम अभी लगातार कम से कम 2 घंटों से ज्यादा वक्त बीत चुका है और हम पूरे हिंदुस्तान की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी किसी डाटा से नहीं, हम सीधे उनके ओपिनियन बता रहे हैं, उनकी राय बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और आखिर उनकी राय क्या है। इसको समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेस्ट पैनल है और बहुत ही मानिंद लोग हैं, टीवी के वैसे चेहरे जो अगर टीवी बैठते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए ट्यून करते हैं। जी हाँ, हम तहसीन मनोवर की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, तहसीन साहब की बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और सीधे मैं उनका मुखातिब करूंगा कि वो सामने है हमारे। हमारे 2-3 गेस्ट और जुड़ेंगे बारी बारी, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे भी बात कराएंगे, उनका भी आपको विस्तृत परिचय देंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेट वाइज जो राज्यों के लोग क्या क्या सोचते हैं उनको हम समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि तहसीन पूनावाला के बारे में ये बात पता है कि वो कानूनविद भी हैं, बहुत सारी चीजों के जानकार भी हैं, हम उनसे विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्यों की राय। सागर, हमने क्योंकि पूरे देश भर में तमाम राज्यों के लोगों से हमने राय लिया है, राय मशविरा किया है, उनसे पूछा है, बल्कि सवाल पूछे हैं कि आखिर कब क्या क्या है, किस तरीके से है, वो क्या सोचते हैं, जो हमारे सवाल बड़े बड़े थे उसके जवाब उन्होंने कैसे दिए हैं, वो भी हम बार बार दिखाएंगे आपको। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में न्यूज इंडिया के रिपोर्टर लोगों के बीच पहुंचे और हर एक राज्यों में जाकर हमने लोगों से बातचीत की है, क्योंकि हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां तो यही कह रही थी कि हाँ, लोगों की राय मिलजुल नहीं रही है, लेकिन हरियाणा की आवाम क्या कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, सुनिए। आपको क्या लगता है कि यूसीसी भारत में लागू करना क्या जरूरी है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जरूरी है, देश को फायदा होने वाला है इससे, और जब एक देश है तो सब पर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं इससे पूरी तरह से एग्री हूँ। जब राष्ट्र का झंडा एक है तो पूरे देश में कानून एक जैसा होना चाहिए। कई राज्य में कुछ है, कई राज्य पूरे हिंदुस्तान में एक कानून होते बेहतर है जी। ये सिर्फ उलझाने वाली बात है, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ विकास के मुद्दों से या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल उचित है और सरकार के द्वारा ये उठाया गया सराहनीय कदम है। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे सबके अंदर में आत्मविश्वास और भाईचारे की भावना और बढ़ेगी। ये तो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, ये हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद है। लोग बटे रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो उन सबको साथ में लाने के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है। ये तो बहुत लेट हो चुका है, पहले ही किसी टाइम में आ जाता, जिस टाइम पार्टीशन हुई थी उसी टाइम इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। ये तो क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, मोदी सरकार को इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या है कि हम धर्म जाति राज्यों के नाम पर बटे हुए हैं। इससे बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी पार्टी का कोई काम नहीं है, ये तो देश के हित में। जब एक कानून होगा सबके लिए होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक है। इससे क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? स्थिति में सबकी सुधार होगा, देश की स्थिति में सुधार होगा, तो आम पब्लिक की स्थिति में भी सुधार होगा। डेफिनेटली सुधार होगा। कई जगह ऐसा होता है कि कहीं महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में हिस्सा है, कहीं किसी राज्य में नहीं है, तो ये महिलाओं के लिए भी, क्योंकि महिलाएं भी हमारे देश की नागरिक हैं, सबको समान हक मिले। हरियाणा के आम लोगों की राय, कुछ खास लोग भी हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी भी राय है सागर, जरा वो भी सुना देते हैं। यूनिफॉर्म कोड निश्चित रूप से एक अच्छी चीज है और उत्तराखंड शायद लाया है, ये लाने जा रहे हैं, और देश के बहुत प्रांतों ने कहा, हमने भी कहा है कि सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ठीक है और हम भी इस पर जल्दी काम करेंगे। सागर, हरियाणा की राय की बात कर रहे थे हम, आप किसी और स्टेट की बात कर रहे हैं, और भी कहां आपने किया है? देखिए, अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर इस समय कांग्रेस की सरकार है,
हालांकि कई बार ऐसे माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी की सरकार है। अच्छा अभी तक पिछले सालों में देखिए बार बार इसका नहीं 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 लेकिन वो फिर भी अभी आप समझ सकता हूं मैं कांग्रेस को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए आप कांग्रेस की राय आप हर जगह सरकार चाहते हैं। तहसीन भाई इस बात पे बहुत खुश होंगे कि चलिए कोई तो ऐसा है जो कांग्रेस की सरकार हर राज्य में चाहता है। जी कांग्रेस में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं भी लगातार सागर के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा लेकिन पंजाब की आवाम क्या चाहती है क्या सोचती है बहुत खास है क्योंकि पंजाब बहुत सारे मामलों में बहुत मिला जुला राज्य है वो भूखे की तरह माना जाता है। जरा हम पंजाब के आम लोगों की राय दिखा लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं यूसीसी के बारे में। नहीं होना चाहिए कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए ना एक घर में दो दो कानून कैसे चलेंगे। नहीं जारी नहीं होना भारत के लिए अच्छा नहीं है ये बहुत बढ़िया और अच्छा कदम है ये लागू नहीं होना चाहिए था। कानून जेड़ा लागू नहीं होना चाहिए इसकी जरूरत है देश को ये देश में अगर सभी धर्म एक समान है तो उनके लिए कानून भी एक समान होना चाहिए। एक देश एक राष्ट्र एक कानून वो सभी जनता के लिए पूरे देश की जनता के लिए सरोकार होगी साबित होगी। जब राष्ट्र का झंडा एक है तो पूरे देश में कानून एक जैसा होना चाहिए। देश के अंदर में एक समान कानून सारी जनता के लिए होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए। ये क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है कि सबको एक जैसे ट्रीट करना ये बिल्कुल लागू होना चाहिए ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। हाँ जी जरूर होना चाहिए। हाँ जी ये जरूर लागू होना चाहिए। नहीं जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सागर तो अब हम बात तो हमने दिखा दी हमने सर्वे दिखाया हम ये हैं हम पहले हिंदुस्तान के ऐसे पहले चैनल हैं जो सर्वे सिर्फ कहने के लिए नहीं डाटा में नहीं पेपर पे नहीं बल्कि हमने सीधे तौर पे लोगों की राय इकट्ठा की और वो क्या चाहते हैं वो भी बताने की कोशिश की। हमने कहा था कि हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है अभी विनोद बंसल जी थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएचपी के हमारे साथ तहसीन भाई बहुत शुरू में ही आ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ सिन्हा जी स्टूडियो वो लाइव व्यू से है हमारे साथ सीधे अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और कैलाश सोनी जी सांसद वो भी हमारे साथ हैं कैलाश जी आपका भी बहुत स्वागत है और हमारे तो खास साथी जो लगातार ग्राउंड जीरो के हीरो की भूमिका में रहे हैं निदा अहमद और अभिषेक विजय आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ वो भी लोग जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो सागर की बात निकल रही थी जुबान से कहते हैं कई बार जो जुबान से निकली हुई चीज सही भी हो जाती है तहसीन भाई क्या कहेंगे ये सवाल इसलिए ये सवाल हमारे पूरे सब्जेक्ट का नहीं है लेकिन क्योंकि सागर ने कहा क्या पंजाब में अगर आपकी सरकार होती तो कुछ तस्वीरें बदलती क्या किस चीज को लेकर यूसीसी के नियम्स को कानून को जिस तरीके से विरोध का दायरा बढ़ा हुआ है अगर वहां कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कुछ और होता। नहीं देखिए बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि यूसीसी के खिलाफ विपक्ष के कुछ पार्टियां हैं कांग्रेस है वगैरह मैं कांग्रेस के बारे में एक चीज बता दो कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से कहा और बाकी विपक्षी पार्टी क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैलाश जी जी अमिताभ भाई उनकी लीगल जानकारी बहुत अच्छी है मेरी मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि लॉ में मैं भी अपनी पीएचडी कर रहा हूँ भारत के संविधान में। यूसीसी क्या है ये जो प्रपोजल माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि यूसीसी आना चाहिए अगर कोई मुझे आज आपके माध्यम से इस चैनल पर समझा दे यूसीसी क्या है तो मैं उसका उत्तर दूं। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ जिस बच्चे के पैदा होने की अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुई आप उसके मुंडन पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो कोई खुशियां मना रहा है तो कोई पार्टी कर रहा है भैया यूसीसी है क्या व्हाट इज यूसीसी। सागर भाई क्योंकि आपके मुंह से कांग्रेस निकला क्या आप मुझे आज इस शो पर विनोद भाई आगे यूसीसी क्या है स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री जी का जो बिल है वो बता सकते हैं। बिल्कुल तहसीन भाई मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा पूरे तरीके समझाऊंगा ये भी बताऊंगा कि आखिर है क्या क्योंकि एक बात समझिए आपने बिल्कुल कहा कि जन्मा हुआ बच्चा नहीं है वो तमाम चीजें लेकिन पहले एक एक छोटा छोटा सा रिएक्शन ले लें फिर उसको डिटेल में बताएंगे क्योंकि हमने सर्वे तमाम सवालों पे किया है हमने पूरे देश की राय ली है। अमिताभ जी आपसे तहसीन भाई मुखातिब हो रहे थे जरा आप बता दीजिए कि क्या यूसीसी पे आपकी राय है पहले छोटे सा रिएक्शन आपका। मैं बहुत स्नेह और बहुत ही सम्मान के साथ तहसीन जी के बारे में जो उन्होंने प्रश्न किया है उस पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो इन्होंने उदाहरण जो एनालॉजी पेश किया है कि बच्चे के जन्म के पहले ही उसके बारे में चर्चाएं और खुशी और परेशानी की बात की जा रही है तो ये एक कानून के बारे में प्रश्न उठाया गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है समान नागरिक संहिता सबों के लिए बराबर का कानून उस कानून को यदि संसद में पेश किया जाए तो उसके लिए लोगों की राय
मांगी गई है लॉ कमीशन की ओर से, और ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जो एक हेल्दी तरीके से जब कोई लॉ बनता है तो उसके लिए ये फॉलो होता है, और खास करके वैसे समय में जबकि वो बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस को अट्रैक्ट करता है जो आपस में डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो इसीलिए ये एक अलग विषय है। बच्चे के जन्म के एनालॉजी के साथ इसको बिल्कुल, आपने सांसद का जिक्र किया है, हमारे साथ सांसद कैलाश सोनी जी हैं। कैलाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, जरा आप फर्स्ट रिएक्शन बता दीजिए कि यूसीसी को लेके आपकी क्या राय। अमिताभ जी, फिर हम आपके पास लौटेंगे, एक छोटा छोटा रिएक्शन, क्योंकि विनोद बंसल जी भी आ गए हैं अब हमारे पास, पूरे मतलब कह सकते हैं कि हमने जिस बात की जिक्र किया था, जो चर्चा की थी, कि हमारे पास एक ऐसा पैनल है जो इस मामले को सबसे बेहतर तरीके से आम लोगों को बता सकता है। हमारे साथ हमारे तमाम स्टूडियो में मेरे साथी भी मौजूद हैं। सबसे छोटा सा रिएक्शन कैलाश सोनी जी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बात संसद में पेश होने की है और पास होने की। ये समान नागरिक संहिता का विषय संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसने अपेक्षा की है कि सारे हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न किस्म की याचिकाएं लगी, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है कि इस देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून का संधारण व्यवहार संहिता में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, सब में एक समान लोगों से व्यवहार हो, कानून सम्मत, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। यहां से ये बात प्रारंभ हुई, और प्रारंभ होने के बाद हिंदुस्तान की अनेकों स्टेटों ने इसके लिए समिति गठित की, इनने अपना परीक्षण कराया। जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत भारत सरकार ने भी अपने स्टैंडिंग कमेटी में, बिल्कुल, फिर लॉ कमीशन में, फिर सारे लोगों की राय के द्वारा इस बात का परीक्षण किया, और आगामी दिनों में ऐसी अपेक्षा की जाती है देश की जनता की तरफ से। लेकिन कैलाश जी, विपक्ष यही तो कह रहा है सर कि लग रहा है कि ये मजसागर एक चुकी है। सागर, एक सेकंड कैलाश जी, एक सवाल पहले विनोद जी से मैं सवाल ले लूं, क्योंकि विनोद जी आ गए हैं, और मैं छोटा रिएक्शन, विनोद जी ये हम चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाह रहे थे, आप भी होते, हम पहले आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं यूसीसी को लेकर, जो हमने एक सर्वे किया है, देश की राय है, हम भी आपको दिखाएंगे, और तमाम चीजें जैसा तहसीन जी ने कहा कि यूसीसी क्या है उसको समझा दीजिए, वो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सुधीर दर्शकों को बधाई देता हूँ, एक अच्छी पहल भारत सरकार कर रही है समानता की तरफ। इस भारत को समानता की आवश्यकता है, कुछ लोग हैं जो विघटनकारी शक्तियों के साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए कि मस्जिदों का या नमाज का, नमाजियों का प्रयोग और ऐसे भारत विरोध जैसे एजेंडे के साथ करना, मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है। जिस तरह से आज लखनऊ के अंदर वो सीन देखा गया, फिरंगी मैली और जनक कौन कौन क्या क्या बोले, इसके अलावा वहाँ क्यूआर कोड भी जारी किया गया। चर्चा बाद में, आपने जो कहा है वो भी बात है, लेकिन हम सबसे पहले यूसीसी हम समझा दें, क्योंकि बार बार तहसीन जी ने कहा, सागर जरा समझाइए, और मैं कहूंगा अपनी टीम को जरा वॉल पे दिखाइए जो आपने सवाल किए हैं और जो आपने यूसीसी के बारे में प्रोफॉर्मा तैयार किया है, जो खास तौर पे संविधान में जिस बात की चर्चा है, जरा दिखाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका जिक्र आज के दिन हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि समान नागरिक संहिता या फिर समान आचार संहिता 73 सालों से लगातार देखिए इसकी मांग चली आ रही है। 1948 में भी इस कानून को लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन अफसोस अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। यानी देश में हर एक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए, विपक्ष बार बार इसका विरोध कर रहा है और जमकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। आशीष जी, आप साफ तौर पर देखिए कि इसके लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे कानून होंगे, क्योंकि बात तहसीन जी ने कहा था और बहुत ही वाजिब था कि आखिर हमने जिस बात पे चर्चा करनी है उस बात को समझने की जरूरत है। विवाह, तलाक, बच्चा, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे के बारे में एक नियम, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर हम ये बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यह कोड धार्मिक संगठनों के बनाए कानून से ऊपर रहेगा। ये सब बड़े बड़े पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो लोग नहीं जान रहे हैं। मैं अपनी टीम से ये भी कहूंगा कि वो भी सवाल दिखाएं जो हमने आम लोगों से पूछा था,
जो हमने आम लोगों तक जाने के लिए जो तैयारियां की थी, मैं वो भी चाहूंगा। ये तमाम सवाल सागर जरा बताइए विस्तृत। देखिए आखिर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, इसी पर तो हमने लोगों से बातचीत की है। लगभग 84% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये कानून लागू होना चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं के हालात में क्या सुधार होगा, इस सवाल को लेकर महिलाओं के जहन में देखिए कई सारी राय, कई सारे लोगों ने विचार रखे हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है क्या, ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कह रहे हैं। आपने कई बार इस तरह के बयान सुने होंगे, लेकिन वही तो भ्रम लोगों का दूर करना है। और वही सवाल देखिए, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को फायदा होगा, हालांकि मुसलमान लोग ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम अपनी राय नहीं, हम सिर्फ सवाल बता रहे हैं। ये सवाल जो है, ये सवाल लेकर हम लोगों के बीच में कहते हैं, ये सवाल है। ये तहसीन जी आप भी ध्यान दे रहे होंगे, विनोद जी आप भी, और अमिताभ जी, और लगातार कैलाश सोनी जी हैं, और हमारे दो साथी स्टूडियो में जो मौजूद हैं निदा और अभिषेक, वो भी देख रहे होंगे। ये हमारे सवाल थे जो हम लोगों तक गए। यहाँ क्या यूसीसी से देश के कानून में बड़ा बदलाव होगा, क्या यूसीसी से एकजुट होंगे हिंदू वोट, क्या यूसीसी से बीजेपी साधेगी 2024 का रण। देखिए ये ऐसे सवाल हैं जिसके वाजिब जवाब के लिए आप लोग जैसे जानकार और जो टीवी के भी बेहद बड़े और मजबूत चेहरे हैं, हम उनको लेकर जुटे। उसके अलावा हमने पूरे देश भर के लोगों की राय ली है, उनके उनके ओपिनियन को हमने दिखाया है। हम बार बार करके हमने ये भी दिखाया, मैं सबसे पहले उत्तराखंड के एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के लोगों की राय एक बार और दिखा दें, क्योंकि विनोद जी और तहसीन भाई और बाकी लोग भी नहीं जुड़े थे। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उत्तराखंड के लोगों की राय एक बार दिखाइए, क्योंकि उत्तराखंड लेकर सबसे अधिक सुगबुगाहट उत्तराखंड को है। बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए, और ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, आजादी के तुरंत बाद। बिल्कुल होना चाहिए, जब बैंक में सब कुछ समान है, मतलब सभी जाते हैं वहाँ पे, तो हर चीज में सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का माने जैसे जैसे हम छोटे छोटे स्कूल्स में भी यूनिफॉर्म लेके आते हैं, ताकि सब लोग एक जैसे बच्चे सुंदर से दिखे, उस तरह देश में भी एक ही कानून होना चाहिए, ताकि एक ही रूल फॉलो हो, एक देश हो, एक कानून हो, बस सबके लिए कानून बनेगा, अलग अलग कानून नहीं रहेगा किसी के लिए। एक बहुत खत्म हो जाएगा, सबको एक समान अधिकार रहेंगे सबके, किसी के लिए कोई ज्यादा नहीं होगा, किसी के लिए कोई कम नहीं होगा, जो अधिकार होगा वो सबका होगा। कितना सहमत आप? मैं 100% बिल्कुल सहमत, मैं तो 100% सहमत हूँ, 100% सहमत है सर, मैं 100% सहमत हूँ कि सब सारा जो नियम कानून है सब एक जैसे ही होने चाहिए। सागर हमारे साथ हमारे दो और साथी भी जुड़े हुए हैं मिनी स्टूडियो से, अभिषेक और निदा। अगर आपके भी सवाल है तो आप सीधे अब अपने तमाम सवाल जवाब हमारे तमाम गेस्ट के साथ आप कर सकते हैं, सवाल अब सीधे आप पूछिए। जी आशिफ जी, एक सवाल मैं तहसीन भाई से पूछना चाहूंगा। तहसीन भाई ने ये कहा कि अभी तो बच्चा आया नहीं है, मुंडन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई। तहसीन भाई मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, बच्चा आने की जब खबर होती है उसके बाद हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के फोटोग्राफ्स लगा लेते हैं, घर में बहुत सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं, तो अभी तो वही हो रहा है, वही तैयारी हो रही है, बाकी मुंडन तो केंद्र सरकार कर लेगी। आपका ओपिनियन है या आपका सवाल है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है? मैं सवाल समझा नहीं, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि इसमें दिक्कत क्या है, अगर इस पे देश में चर्चा हो रही है तो इसमें दिक्कत फिर क्या? मेरे भाई सवाल यही है कि किस बात पे चर्चा हो रही है। देखिए दो चीजें हैं, आईपीसी अगर देश में हर नागरिक के लिए समान है तो फिर सिविल में क्यों नहीं? बिल्कुल है समान, सबके लिए समान है सिविल कोड, कौन कह रहा नहीं है समान? ये आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं कानून। एक मिनट, अब मेरे बोलने मत बोलिए, मत बोलिए प्लीज। पहले तो अगर यूसीसी का मतलब, आपके पास आएंगे, सुन लीजिए, यूसीसी का मतलब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से लेके कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके गुजरात तक एक सिविल लॉ जिसमें शादी, डिवोर्स और इनहेरिटेंस आता है, ये तीन चीज, और बच्चों का अडॉप्शन और बच्चों की राइट्स, ये तीन और चार चीज आती है। वो कानून ऑलरेडी भारत में है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इस एक्ट के तहत मैंने शादी किया, इसमें दो मुसलमान, दो हिंदू, एक हिंदू मुसलमान, एक सिख, एक क्रिश्चियन, कोई भी, एक पंजाबी, एक महाराष्ट्र शादी कर सकता है। एक सेकंड प्लीज, सुन लीजिए प्लीज, एक दो मिनट जरा। तो पहला ये कानून ऑलरेडी है भारत में, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें सबके लिए एक है, सबके लिए, सभी धर्म के लिए। अभिषेक अभिषेक सर, अगर आप नहीं सुनना चाहते मैं जाता हूँ, अभिषेक आपका ओपिनियन देना चाहते तो आप दे दीजिए, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। आपका जो सवाल था क्या कानून देश में एक होना चाहिए, वो कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके तहत मैंने शादी किया है।
एक कानून सारे देश में स्पेशल मैरिज है, कोई भी दो लोग इसमें शादी कर सकता है, कोई भी दो अडल्ट, और सारे भारत में एक ही सम्मान कानून है। लेकिन अगर आप पर्सनल लॉस की बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे काउंटर सवाल है, यहां पे बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात सवाल है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या आप भारत के स्केड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरी रिपोर्ट नहीं, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स फैमिली डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पॉलीगमी हिंदू और मुसलमान में बराबर है, सबसे अधिक पॉलीगमी ट्राइबल्स में, क्यों? इसका उत्तर में मैं आता हूं, मिजोरम जैसी, मेघालय जैसी मैट्रियार्कल सोसाइटीज है, सबसे ज्यादा अगर आप देखें गोवा के अंदर, वहां पर यूसीसी है, गोवा के अंदर एक हिंदू मर्द अगर 30 साल के ऊपर हो जाए और उसके पास एक लड़का ना हो तो दूसरी शादी कर सकता है ऑफिशियली आज की तारीख में। गुजरात के अंदर जैसे माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री आते वहां पे मैत्री करार करते एक चीज होती है, जहां पे एक शादीशुदा हिंदू मर्द ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट पर एक गर्लफ्रेंड रख सकता है। क्या यूसीसी में ये सारे चीज जाने वाले? आप कह रहे हो मुझको इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए, और क्या आप स्केड्यूल 6 को खत्म कर रहे हो, हाँ या ना? ठीक है तहसीन भाई, अब विनोद जी से जवाब लेते, विनोद जी उंगली उठा रहे थे कुछ जवाब देने के लिए, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट की जो बात कर रहे हैं, आखिरकार भारत में ये स्पेशलाइजेशन क्यों? सबके लिए समान बनाओ ना जी, अगर कोई जो जिस मैरिज एक्ट में जिस एक्ट के तहत इनको इनका रजिस्ट्रेशन होगा उसी में मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, उसी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, भेदभाव क्यों? एक बात। दूसरी बात ये, स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट ओनली फॉर द मैरिज, वो उसका इनहेरिटेंस की बात नहीं करता, वो अडॉप्शन की बात नहीं करता, वो तलाक की बात नहीं करता, और वो जो है महिलाओं को अधिकार देने की बात नहीं करता, वो ये भी राइट नहीं देता कि कोई लड़की अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके, वो ये भी राइट नहीं देता कि वो अपने पति के संपत्ति में अधिकार दे सके, वो ये भी राइट नहीं देता कि आखिरकार बच्चों को उनको राइट मिले। तो ये सब बातें मैं कह रहा हूँ, अगर ये प्रोविजन सबके लिए समान रूप से लागू होने की बात हो रही है तो तकलीफ किसको है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तहसीन जी क्या ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। जी ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, 50% आपको प्रॉपर्टी पे बाय डिफॉल्ट राइट मिलता है, यहां तक नहीं, अगर भगवान न करे मेरी और मेरी पत्नी का डिवोर्स हो जाए उसको ज्यादा अधिकार मिलेगा, ऑफ कोर्स अडॉप्शन का राइट मिलता, बच्चों का राइट मिलता, इनहेरिटेंस का राइट मिलता। आपने एक्ट पढ़ा ही नहीं, मैं एक ही बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सारी ओवरऑल चीजें, अगर ये सारी चीजें अगर स्पेशल मैरिज एक्ट दे देता तो यूसीसी की जरूरत क्या थी? मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये जो यूसीसी के जो प्रोविजन सभी जिन्होंने गिनाए चैनल पर, उन प्रोविजन में से किससे आपको ऑब्जेक्शन है? आखिरकार ये जो लोग हैं, जो देखिए विधि आयोग ने आपके सुझाव मांगे हैं, आप उसका विरोध भेज रहे हो, एक बात। दूसरी बात, विरोध करने का तरीका क्या है कि अपनी बात जो है, जो एक तथाकथित एक बोर्ड है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जो पर्सनल लॉ की काम करता है, उसको तकलीफ तो समझ में आती है, क्योंकि जब पर्सनल लॉ ही खत्म हो जाएंगे तो उसको बोर्ड का क्या होगा, वो बोर्ड भंग हो जाएगा। हम सबको बारी बारी, हम चाहते हैं कि इस बातचीत के हल भी निकले, इससे कम से कम कुछ ऐसी चीजें निकले जो आम लोगों तक, हम जो बताना चाह रहे हैं, हम जो सर्वे करके ले आए हैं, हम पूरे देश भर के लोगों की जो राय ले आए हैं, वो कम से कम कहीं कंक्रीट की तरह आगे बढ़े। कैलाश सोनी जी, आप कुछ कह रहे थे। हमारा ये कहना है कि इसमें किसी भी विवेकशील आदमी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, विभिन्न तरह से आजादी के बाद तुष्टीकरण के कारण लोगों को गलत रास्तों पर चलाया गया और अलग लोगों को खड़े रखना चाहते हैं। हमारा इसमें ये कहना है कि इसमें बहुसंख्यक समाज को आपत्ति होना चाहिए, यह बात तय है, ध्रुव सत्य है कि हिंदुस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ, इस बात को कौन इंकार करेगा, और जिस शिद्दत के साथ, आराम के साथ लोग यहां जी रहे हैं, दुनिया के और मुल्कों में जहां सीधा इस्लाम लागू है वहां उनकी क्या स्थिति है, तो इसके लिए जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं। कैलाश जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं तहसीन जी। माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब,
आप यहाँ वहाँ की दुनिया भर की बातें किए, मैं उसका इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरे एक सवाल का प्लीज उत्तर दीजिए। यूसीसी में क्या स्केड्यूल 6 डिस्ट्रिक्ट सिटी काउंसिल्स जो खुद भाजपा ने स्थापना की है नॉर्थ ईस्ट में, वो खत्म होगी या नहीं होगी? और अगर स्केड्यूल 6 सर, एक सेकंड, अगर स्केड्यूल, प्लीज सर, एक मिनट, अगर स्केड्यूल 6 खत्म नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट सिटी काउंसिल स्केड्यूल 6 क्या प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल्स का? इनहेरिटेंस, मैरिज कस्टम्स, डिवोर्स? तो आप कैसे कंपेयर नहीं करोगे? सबसे अधिक पॉलीगमी ट्राइबल्स में, ये मैं नहीं, ये आपकी मिनिस्ट्री हर्षवर्धन जी के नीचे उन्होंने लॉ कमीशन को सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? दूसरा साहब, स्पेसिफिक सवाल, क्या मैत्री करार गुजरात में समाप्त होगा या नहीं? तीसरा सवाल, गोवा में हिंदू मर्द जिसकी बेटी ने ये 30 साल की उम्र में दूसरी शादी लीगली कर सकता, ये समाप्त होगा नहीं? हाँ या ना में इन तीन सवालों का जवाब दीजिए, खास करते स्केड्यूल 6 पर सर, बाकी चीजें को छोड़िए। आप रामायण पढ़िए, आप ये बताइए सवाल क्या है स्पेसिफिक? स्केड्यूल 6 आप खत्म करोगे या नहीं? गुजरात में मैत्री करार खत्म करोगे या नहीं? और गोवा के अंदर जो हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता, अगर बेटी हो और बेटा ना हो, वो खत्म करोगे, हाँ या ना? ये लॉ कमीशन के सामने जो सलाह आई है उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। या आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे, बहुत बड़ी बात है, आप गुजरात में ऑन रिकॉर्ड कह रहे मैत्री करार और वो खत्म होगा, एचयूएफ खत्म होगा, एचयूएफ भी खत्म होगा, मसलों पे एक कानून होगा, एचयूएफ भी खत्म होगा, किसी जमात का आदमी हो, एचयूएफ भी खत्म होगा, एचयूएफ भी खत्म होगा, ठीक है? ये ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, बीजेपी के एमपी ने कहा एचयूएफ खत्म होगा, ये ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए अमिताभ भाई, देखिए बीजेपी के एमपी ने कहा एचयूएफ खत्म होगा, चलाइए। विनोद जी, अमिताभ जी से भी पूछ लेते हैं, राय लेते हैं, अमिताभ जी आप ही इसको ब्रेक, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका सवाल क्या है सर? सागर जी, कैलाश जी, बहुत ही शांत जी, मैं थोड़ा धैर्य से सुनना चाह रहा था कि इतने विद्वत जनों की राय क्या है, इसीलिए मैंने कभी बीच में इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा कि आपने मेरे से सीधा प्रश्न किया है, वरना मैं कुछ बोलता नहीं। सबसे पहले मैं अपने प्रिय तहसीन जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने शुरुआत की अपने व्यक्तिगत उदाहरण को देखे, जो मुझे लगता है कि ये डिबेट्स में नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, आदमी को व्यक्तिगत चर्चा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी चाहेंगे कि व्यक्तिगत, इन्होंने किया व्यक्तिगत चीजें, हम ना यहाँ पे चर्चा करें, ज्यादा बढ़िया है जी। लेकिन लेकिन एक मिनट, आप चुप रहिए सागर जी, अब जरा चुप रहिए, चुप रहिए ना, मैं कुछ कह रहा हूँ बीच में, मत व्यवधान। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं कुछ गंभीर बात कर रहा हूँ। तो तहसीन जी ने जो अपना उदाहरण दिया, तो मैं इस बात को अंडरलाइन करते हुए कि व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पत्नी हिंदू हैं, वधेरा जी हैं, मिस वधेरा हैं, और ये हिंदू होने के कारण इन्होंने मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की। क्या मुसलमानों में हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है, स्पेशल मैरिज में दोनों मुसलमान शादी करते हैं, कितना परसेंट करते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये है, इन्होंने हिंदू से शादी की, वो अंतर धर्मीय विवाह था, इंटर रिलीजन, तो उन्होंने स्पेशल मैरिज में जाके किया। ये आम मुसलमानों की ये स्थिति नहीं है, पहली बात। सबसे दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात बोल रही है, मैं बोलना चाहता हूँ कि मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मुसलमानों के ऊपर में जो ये शरिया कानून कह लो या पर्सनल लॉ, मोहम्मदन मुस्लिम पर्सनल लॉ जो लाया गया, ये मुसलमान शासकों ने, मुगलों ने नहीं लाया, ये 1936 में अंग्रेजों ने भारत को विभाजन करने के लिए एक शरिया एक्ट पास किया, सिर्फ 92 शब्दों का था, ओनली 92 वर्ड्स, और उसके बाद उसको उसमें वो उसकी बीज पड़े, जिसमें जिन्ना और ऐसे बड़े जमींदारों को एक वसीयत का अधिकार दिया गया, जो कि वसीयत और गोद लेने का अधिकार, जिसको मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जो इनके प्रॉफेट हैं, उन्होंने उसको हराम माना है, ब्लास्फेमी है ये, और जो शरिया कानून की बात भारत में मोहम्मदन एक्ट की बात कर रहा है, वो ब्लास्फेमी कर रहा है, वो एंटी मुस्लिम है। इस बात को चर्चा में कोई नहीं करेगा, ये तहसीन जी जैसे विद्वान मुसलमानों को चर्चा में लाना चाहिए कि क्या जो मोहम्मदन लॉ में जो प्रोविजंस अंग्रेजों ने बनाए और जिसको बाद में मोहम्मदन लॉ में जवाहरलाल नेहरू ने लागू करवाया विरोध के बावजूद, क्या वो इस्लाम विरोधी है? मोहम्मद के, हजरत मोहम्मद के कहे हुए वाक्यों के विरोधी है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा कि एकदम जायज नहीं है, ना ही गोद लेना और ना ही उसमें विल करना। अमिताभ जी, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? अपराध है। आप तहसीन पूनावाला से क्या सवाल करना चाह रहे हैं? मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको मैं तथ्य का बता रहा हूँ उनको। अरे थोड़ा धैर्य से समझिए सागर जी,
मैं तथ्य बता रहा हूं कि इसमें तहसीन जी को, लोगों को, अपने मुसलमानों को समझाना चाहिए कि जो ये इनको मोहम्मदन एक्ट में जो अंग्रेजों ने दिया, जो नेहरू जैसे लोगों ने बांटने के लिए मुसलमानों को अपीज करने के लिए, और उस समय मैं समझता हूं कि उस समय सिर्फ 3 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, अभी की तरह 28 करोड़ नहीं है, अब वो अल्पसंख्यक नहीं रहे। अब उनको समझना पड़ेगा कि जो एंटी इस्लाम व्यवस्था इस पर्सनल लॉ में उनको दी गई है, मोहम्मदन पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, वो मुसलमान विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, हजरत मोहम्मद के कहे हुए के विरोधी है, ये ब्लास्फेमी है, ये कहना चाहिए इनको, नंबर। और दूसरा, तीसरी बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्वेश्चन मांगे गए हैं, ये जो शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, मैं इनकी बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है, ये बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, इन्होंने तुरंत स्पिन घुमाया कि अब इस पर डिफेंसिव हो जाए जो लोग यूसीसी के फेवर में बोल रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई तहसीन जी कि ये सारी चीज़ें लॉ कमीशन तय करेगी कि जो सबसे ज़्यादा जिस पे सुझाव जैसे आएंगे, क्योंकि ये जो है जो 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 ये समान नागरिक संहिता है, संविधान संशोधन की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई भी यदि उसको लागू करने के लिए एक सिंपल कानून बनाना है बहुमत पे, और वो चलिए अमिताभ जी वक्त थोड़ा कम है सर, लौट कर आऊंगा अमिताभ जी, अमिताभ जी चलिए, लेकिन देखिए विनोद बंसल जी एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, वक्त थोड़ा कम है इसलिए। आजादी के बाद से लगातार इसकी मांग चल रही है सर, सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून आखिर देश में क्यों नहीं है, बीजेपी को इतनी उम्मीद क्यों है, आप लोग इतनी उम्मीद क्यों लगाए बैठे कि हाँ सन 2024 के पहले आप लोग ये हासिल कर लेंगे, ये देश में लागू हो जाएगा। देखिए बात 24 की नहीं है, बात ये देखनी पड़ेगी कि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान सभा की बहस चल रही थी उस बहस के अंदर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा था, तो वो चाहते थे कि इसको मेन संविधान का पार्ट बना दिया जाए, लेकिन कुछ कांग्रेसियों के विरोध के कारण, नेहरू जी के तीव्र विरोध के कारण इसको अनुच्छेद 44 में उनको सीमित करना पड़ा, और उसमें जो है ना नीति निर्देशक तत्वों दिया, और नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट कहा है कि सरकारें इस बारे में प्रयास करेंगी। अब देखिए कि भारत की स्वाधीनता को 75 वर्ष हुए, इस अमृत काल में भी अगर वो अमृत नहीं बरसा, जो भारत एक है, श्रेष्ठ है, महान बन रहा है, विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, अगर उसके अंदर ही कानून की डिस्पैरिटी रहेगी तो आखिरकार हम दुनिया को क्या संदेश देंगे। अब बात यह है कि देखिए इसमें ऑब्जेक्शन किस बात का, इन्होंने कई सारी चीजें गिनाई कि ये होगा क्या, वो होगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, मैं कहता हूं ये बातें आप बोलो ना, आप लिख के दीजिए विधि आयोग को, जो होगा वो सरकार तय करेगी, संसद तय करेगी, लेकिन अभी से उस कानून की भ्रूण हत्या करने में जो लोग लगे हुए हैं, जो खंजर लेकर के सर तन से जुदा करना चाहते हैं उस कानून का, वो नहीं चलेगा, और मस्जिदों को, नमाजियों को नमाज का और इनका उपयोग करना ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। तीसरी बात और अंतिम बात, विनोद बंसल मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो इन्होंने जो जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये QR कोड जारी करके अपनी बात को थोपने की कोशिश की है, मेल ड्राफ्ट करके सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये ठीक नहीं है। तो बंसल साहब एक चीज सागर, एक सेकंड, एक चीज मैं विनोद बंसल जी से समझना चाहूंगा। विनोद जी देखिए दिक्कत क्या है ना कि यूसीसी को लेकर के जब से चर्चा शुरू हुई है हिंदू मुस्लिम पे चीजें आकर के रुक जा रही हैं। यूसीसी मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं। वही चीज पंजाब में जब हमने सर्वे किया, पंजाब का अगर आंकड़ा हमारे सहयोगी दिखाएं तो मुसलमान में नहीं, तो मुसलमान एक मिनट, तो मुसलमान क्यों कमर कस के आगे आ गए हैं, क्यों नहीं वो कह रहा है कि नहीं ये इस्लाम विरोधी है, भारत विरोधी, क्यों नहीं वो कह रहा है कि इस्लाम विरोधी है। अब देखिए मेरा सवाल तो तहसीन यहाँ पर बैठ करके इनडायरेक्ट विरोध जरूर कर सकते हैं, हम बारी बारी सबके पास आएंगे, इनकी मर्जी है, क्योंकि विधि हम आपके पास भी आएंगे, हम सबके पास आएंगे। वक्त के छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लगातार हम इसकी चर्चा करेंगे, हम चर्चा के लिए ही आप लोगों को हमने वक्त दिया, और हम भी चाहते हैं कि चर्चा के जरिए कुछ निकल के आए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को कायम रखेंगे।